हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट केमिकल काइनेटिक्स, क्लास ट्वेल्थ के पोर्शन का यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। और अभी तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बताया, तो जहां पर मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है उसको हम कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, वेयर द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आर द डिफरेंट। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया सूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो जहां मॉलिक्यूलरिटी दो होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज टू एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज वन, इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जिसमें मॉलिक्यूलरिटी थ्री होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू होगा, वेयर मॉलिक्यूलरिटी इज थ्री एंड ऑर्डर इज टू। तो दिस प्रैक्टिकल वैल्यू इज द सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसके बाद हम लोगों ने बात किया फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में, तो जहां पर एक रिएक्टेंट जो होगा वो नॉन इंटीग्रल होगा, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉन इंटीग्रल, दिस इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर हमने बात की फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया नेगेटिव ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में, जब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है तब उसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, वेयर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, तब उसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। और उसका एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओजोन इंटू ऑक्सीजन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओजोन इंटू ऑक्सीजन इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हमने बात किया रेट के ऑर्डर के डिटर्मिनेशन के, ऑर्डर को आइडेंटिफाई या डिटरमाइन करने के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहला जो बात किया वो ग्राफिकल मैथड। तो ग्राफिकल मैथड में हमने ये बात देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट इज डिनोटेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो माइनस डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू के सी टू द पावर एन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, माइनस डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू के सी टू द पावर एन। और अगर इसको हम लॉग के टर्म में लिख देते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ द इक्वेशन, टेकिंग लॉग ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को हम लॉग के टर्म में लिख देते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ द इक्वेशन, तो दिस इज लॉग डी एक्स बाय डी टी, लॉग डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू लॉग के, लॉग डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू लॉग के प्लस एन लॉग सी, एन लॉग सी। तो ये इक्वेशन इस तरीके का हो जाएगा उस समय जब इसको हम लॉग ले लेंगे इस इक्वेशन का। ओके, तो नाउ डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू लॉग के प्लस एन लॉग सी, जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वल है, एंड इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से सिमिलरिटी रखता है, और ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, सभी ऑर्डर के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन पर जो ग्राफ प्लॉट होता है, जो प्लॉट होता है वो कैसा है, इट इज इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए ये कहां से आएगा, ओरिजिन पॉइंट से निकलेगा, एक्स बाय टी का जो प्लॉट है जीरो ऑर्डर के लिए वो कहां से जाएगा, ओरिजिन पॉइंट से जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉग ए माइनस एक्स बाय टी, लॉग ए माइनस एक्स बाय टी, तो कॉन्सेंट्रेशन के कम होने के साथ साथ रेट कम होता जाएगा, विथ स्लोप ऑफ माइनस के बाय 2.303, विथ स्लोप ऑफ माइनस के बाय 2.303। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर के लिए जो आएगा वन अपॉन ए माइनस एक्स और टाइम, ये आएगा विथ स्लोप ऑफ, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप ऑफ 1 बाय के, और
सेकंड ऑर्डर के लिए के बाद थर्ड ऑर्डर, ये हो गया आपका जीरो फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड ऑर्डर के लिए वन अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर और टाइम का जो प्लॉट आएगा वो फिर से फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के जैसा ही दिखेगा, लेकिन यहां पे स्लोप जो होगा वन अपॉन ए स्क्वायर विथ स्लोप ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर स्लोप के स्लोप होगा इसका, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफिकल, दिस इज द ग्राफिकल मैथड विच डिटरमाइंस द डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्डर के लिए जो स्लोप्स होंगे, जो जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा वो इस तरीके से अपेरेंस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर आ जाता है और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया था अबाउट फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, इन सभी टॉपिक्स पे हमने बात कर लिया था, ठीक है। अब आगे अगले मेथड पर बात करते हैं, मतलब एक और स्टेप, एक और इक्वेशन जहां पे थोड़ा आपको स्ट्रगल करना है, थोड़ा संघर्ष करना है, अब उस पे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें उसके बारे में आपको देखने को मिलेंगे, तो हम लोगों को उसके बारे में भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने ग्राफ के बारे में काम किया है वैसे ही उस टॉपिक पर भी हमको काम करना है। तो डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर सेकेंड मेथड है ग्राफिकल के बाद का। तो डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और पहला मेथड हमने जो पढ़ा था वो था ग्राफिकल मेथड, और ये है डिफरेंशियल मेथड, ठीक है। ज्यादा टिपिकल नहीं है, समझ में आएगा, थोड़ा सा संघर्ष करेंगे तो ये भी आपको बनने लगेगा। देखिए हर यूनिट में कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे थोड़ा एनर्जी लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ चीजें साइंटिफिकली डिजाइंड है हर चैप्टर में तो बहुत आराम से समझ में आ जाती है, और कुछ सीधे सीधे मैथमेटिकल फॉर्मेट में चली जाती है चीजें तो अब वो उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीजें भी हमें आराम से समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो अब फिर से इसके एस्पेक्ट्स में हम लोग बात करते हैं। तो डिफरेंशियल मेथड में क्या क्या चीजें पढ़ने को है हमको, तो पहले बात करते हैं व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स, पहली बात व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन takes part in the chemical reaction जब किसी अभिक्रिया में एक या एक से अधिक क्रियाकारक भाग ले रहे हो। वन आर मोर देन वन रिएक्टेंट्स टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर सेम एंड initial concentration of all the reactants are same। अब ये पहली कंडीशन आई, initial concentration of all the reactants are same, initial concentration of all the reactants are same and after time t the concentration is c और after time t concentration कितनी है c है after time t the concentration of c then for nth order rate equation for nth order
रेट इक्वेशन इज, तो nth ऑर्डर के लिए यहां पे रेट ऑफ इक्वेशन हो जाएगा बिल्कुल नॉर्मल जैसा हम लिखते हैं dx by dt इक्वल टू के सी टू द पावर n, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगी dx by dt इक्वल टू के सी टू द पावर n। इस पे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही कर चुके हैं तो इस पे हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब चलो एक एक को पहले अरेंज करते हैं, एक एक को याद करते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय डिफरेंशियल मेथड, तो पहली बात क्या कहा मैंने, व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जब एक या एक से अधिक क्रियाकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वन और मोर रिएक्टेंट्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ओके। एंड ऑल द रिएक्टेंट्स एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर सेम, और रेट किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर सेम, आफ्टर टाइम टी द कॉन्सेंट्रेशन इज सी, और टी समय के बाद सांद्रता कितनी है, सी है। आफ्टर कॉन्सेंट्रेट आफ्टर आफ्टर टाइम टी द कॉन्सेंट्रेशन इज सी, देन फॉर nth ऑर्डर द रेट इक्वेशन इज dx by dt इक्वल टू के सी टू द पावर n, तब रेट को हम कैसे लिख पाएंगे, के सी टू द पावर n से, यहां से आप ऑर्डर निकाल सकते हो और इस तरीके से इसके रेट को लिख सकते हो। तो ये पहली कंडीशन हुई, कौन सी, जहां पर सभी रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है, when the initial concentration of all the reactants are same and after time t it is c, और t समय के बाद सांद्रता कितनी है, c है, तो वहां पर हम इस तरीके से इसको determine करेंगे। second point, इसका second point आता है, if at the different concentration, अब मतलब concentration अलग कर हो रहा है, differ कर रहा है, if at the different concentration of reactants, C1 and C2, तो दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर इस बार बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन आर C1 एंड C2, इफ एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C1 एंड C2, the rates are rate 1 and rate 2, तो दो अलग अलग रेट भी है, rate 1 and rate 2, तो रेट 1 और रेट 2 हमने अलग अलग C1 कंसंट्रेशन पे रेट 1 और C2 कंसंट्रेशन पर रेट 2 कंसीड कर लिया, देन रेट 1 इक्वल टू व्हाट, देन रेट 1 इक्वल टू व्हाट, तो रेट 1 इक्वल टू के 1 के, रेट 1 इक्वल टू के सी टू द पावर n, सी टू द पावर n, ठीक है। तो C1 टू द पावर n कह सकते हो आप, C1 टू द पावर n, और रेट टू इक्वल टू के C2 टू द पावर n, रेट टू इक्वल टू क्या हो गया, C2 टू द पावर n, बाय टेकिंग लॉग, और अगर इसको लॉग के टर्म में लिखें, बाय टेकिंग लॉग, तो ये देखिए फिर से ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, क्या कहा मैंने, इफ एट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स concentration of reactant C1 and C2 and the rates are respectively rate 1 and rate 2, then rate 1 equal to K C1 to the power N and rate 2 equal to K C2 to the power N, ठीक है। तो C2 टू द पावर n, यहां पे C1 टू द पावर n, जैसा पहले वाले को लिखा था वैसा ही हमने इसको भी लिखा है, बस क्या है, दो अलग अलग रेट पर दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो यहां पे ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो बाय टेकिंग लॉग n, तो ऑर्डर कैसे निकलेगा, n लॉग रेट 1, log rate 1 minus log rate 2 by
बाय लॉग सी वन माइनस लॉग सी टू, लॉग सी वन माइनस लॉग सी टू। तो यहां पर ऑर्डर को निकालने का फॉर्मेट आपका ऐसा हो जाएगा, सी वन एंड सी टू एट कॉन्सेंट्रेशन सी वन एंड सी टू डिटरमाइंड द रेट इज आर वन एंड आर टू, ओके, एंड कैलकुलेट द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वन। इस इक्वेशन के हिसाब से अब यहां से आपको ऑर्डर निकालना होगा, ठीक है। तो बाय टेकिंग लॉग एन इक्वल टू हो जाएगा लॉग रेट वन माइनस लॉग रेट टू अपॉन लॉग सी वन माइनस लॉग सी टू। तो दिस इज द सेकेंड कंडीशन, इफ एट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स सी वन एंड सी टू रेट्स आर ऑल्सो आर वन एंड आर टू। तो आर वन रेट वन इक्वल टू सी वन टू द पावर एन एंड रेट टू इक्वल टू सी टू टू द पावर एन, और अगर लॉग कर दिया तो बाय टेकिंग लॉग एन इक्वल टू लॉग रेट वन माइनस लॉग रेट टू बाय लॉग सी वन माइनस लॉग सी टू। तो दिस इज द सेकेंड मैथड, ये है सेकेंड मैथड, ठीक है। जब दो अलग कॉन्सेंट्रेशन पर दो डिफरेंट रेट्स हैं रेट वन एंड रेट टू, तब कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात की हम लोगों ने अभी, है ना। अब बात करते हैं इसी का थर्ड स्टेप। तो इफ एट द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन सी वन एंड सी टू रेट कॉन्स्टेंट्स आर आर वन एंड आर टू, वहां की हमने बात कर लिया पूरी। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। इफ टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर टेक्स पार्ट, टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट सेम। एंड कंडीशन देखिए अब यहां से शुरू हुई, एंड इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट सेम, इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट सेम, और इनकी प्रारंभिक सांद्रता समान नहीं है। दो क्रियाकारक ए और बी, सबसे इंपॉर्टेंट वाला आपका ये वाला थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आता है वो थर्ड वाले पे ही आता है, ठीक है। बाकी दोनों सिंपल है, वो आराम से निकल जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। इफ टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस आर नॉट सेम, और उनकी प्रारंभिक सांद्रता भी समान नहीं है, इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस आर नॉट सेम, देन द रेट ऑफ रिएक्शन then the rate of reaction determined by the equation, rate of reaction is determined by the equation, then rate of reaction is determined by the equation dx by dt, या आप रेट लिख लो इसकी जगह dx by dt equal to k ca to the power m and cb to the power n, cb to the power n, okay। तो दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट इक्वल टू वॉट के सी ए टू द पावर एम एंड सी बी टू द पावर एन, एम एंड एन आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एम एंड एन आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां पर एम और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। और एम किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ए के कंसंट्रेशन का ऑर्डर कितना है एम, और बी के कंसंट्रेशन का ऑर्डर कितना है एन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रिएक्टेंट्स ए, तो ऐसा भी आप चाहो तो लिख लो, है ना। तो देखो क्या हो गया,
एम एंड एन आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एम इज द ऑर्डर, एम इज द ऑर्डर, एम इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एम इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एम इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रिएक्टेंट्स ए. इन रिएक्टेंट्स ए एंड एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रिएक्टेंट्स बी. इन रिएक्टेंट्स बी. ओके, तो एम किसके लिए ऑर्डर है, ए के लिए, और बी किसके लिए और एन किसके लिए ऑर्डर है, बी के लिए, है ना. कंसंट जो बी पर जो कंसंट्रेशन है उसके लिए ऑर्डर है एन, है ना. तो एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रिएक्टेंट्स बी. फिर से एक बार, इफ टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट सेम, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन रेट इक्वल टू के सी ए टू द पावर एम एंड इन टू सी बी टू द पावर एन. ओके, जहां पे ए के रिस्पेक्ट में रिएक्ट ऑर्डर है एम और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है एन. ओके, तो इसकी थोड़ी सी और कंडीशन बची है. मैंने आपको बताया कि यही वाला हिस्सा जो है हमारा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो थोड़ी सी एक दो चीजें और नोट करते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, यहां तक हो गया. आगे देखिए, तो टोटल ऑर्डर कितना आ जाएगा, टोटल ऑर्डर एम प्लस एन आ जाएगा. टोटल ऑर्डर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले वाले से ए का ऑर्डर है एम और बी का ऑर्डर है एन. तो एम प्लस एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब कुल ऑर्डर चाहिए होगा रिएक्शन का. तो हमको पहले ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना पड़ेगा, फिर बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा. और रेट भी जब निकालनी होगी तो ए के रिस्पेक्ट में रेट निकलेगी और फिर बी के रिस्पेक्ट में रेट निकलेगी. ठीक है, तो यहां तक हो गया क्लियर. तो एम प्लस एन इन द एक्सपेरिमेंट, इन द एक्सपेरिमेंट. अब जब एक्सपेरिमेंट आप देखोगे क्वेश्चन में तब आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा. तो इन द एक्सपेरिमेंट, इन द एक्सपेरिमेंट सी बी केप्ट कॉन्स्टेंट. एक कंसंट्रेशन को अगर आपको बी निकालना है, अगर ए निकालना है तो बी को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, और बी निकालना है तो ए को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा. ठीक है, तो इन द एक्सपेरिमेंट सी बी केप्ट कॉन्स्टेंट, सी बी केप्ट कॉन्स्टेंट, सी बी केप्ट कॉन्स्टेंट, सी बी केप्ट कॉन्स्टेंट. एंड बाय द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बाय द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और एक को कॉन्स्टेंट रख दिया, मतलब सी बी, तो बी के कॉन्सेंट्रेशन को आपने कॉन्स्टेंट रखा है, तो बी के कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रख दिया. तो बाय द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बाय द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ए कह लीजिए, बाय द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ए ऑर्डर इज डिटरमाइंड, ऑर्डर इज डिटरमाइंड, ऑर्डर इज डिटरमाइंड. ओके, ऑर्डर इज डिटरमाइंड. ओके, और जब आप ए के कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रखोगे तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल पाओगे. ठीक है ना, तो जैसे ए के लिए निकाला ऑर्डर, तो वैसे जब ए का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होगा तो बी के लिए रेट और ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगी. और किसी भी रिएक्शन का टोटल ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, एम प्लस एन कर देंगे. एक एक के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल ऑर्डर भी निकाल सकते हैं और दोनों के रिस्पेक्ट में टोटल ऑर्डर भी निकाल सकते हैं. तो दोनों के रिस्पेक्ट में जोड़ देंगे तो दोनों के रिस्पेक्ट में टोटल ऑर्डर निकल जाएगा. तो टोटल ऑर्डर क्या हो गया, देखिए एम प्लस एन. इफ इन द रिएक्शन, इन द एक्सपेरिमेंट सी बी इज केप्ट कॉन्स्टेंट, बाय द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ऑर्डर इज डिटरमाइंड एज इट इज. इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज कॉन्स्टेंट, देन By the change in concentration of B, order is determined. Okay? तो ये है आपका third point. और इस पे अब problems के से हम लोग आगे carry on करते हैं. तो एक दो बार उसको revise करेंगे, एक दो बार क्या बार बार revise करेंगे इसको, जिससे कि ये एकदम clear हो जाए. और एक दो questions मैं आपको करवाता हूँ,
एक दो क्वेश्चन इस पे आपको भी ढूंढ कर करना है। और जब मैंने आपको जैसे बोला कि ये यूनिट खत्म होने के बाद भी एक बार मैं इस पे और भी थोड़े से क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा, तो उसमें भी मैं इस टॉपिक पे एक दो क्वेश्चन ले लूंगा, जिससे कि आपको क्लियर रहे एकदम 100% ये पोर्शन भी क्लियर हो जाए। तो फॉर केमिकल रिएक्शन देखें, फॉर केमिकल रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, फॉर केमिकल रिएक्शन ए प्लस टू बी इज कन्वर्टिंग टू सी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और उसके रेट्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रेट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी मोल्स पर लीटर में, और रेट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए यूनिट लिख देते हैं, मोल्स पर लीटर और रेट्स कैसी होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड में जो डेटास लिखे होंगे वो रेट्स होंगे, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और दोनों आपको पता है कि वो शुरू से डिफर करेंगे, एक दूसरे के सिमिलर नहीं रहेंगे। ठीक, तो अगर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी 1 है, और रेट इस कंडीशन में है, रेट इज 0.15 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ऐसा हम लोग एक्सपेरिमेंट 1, 2 ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। कई बार आप देखोगे तो ऐसा लिखा रहेगा एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 एंड रेट्स। ओके, सेकेंड टाइम तो फर्स्ट टाइम 1, 1 एंड 0.15, 2, 1 एंड 0.30, 2, 1 एंड 0.30। थर्ड टाइम इट इज 3, 1 एंड 0.45। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में वैल्यू आ रही है 1, 2 एंड 0.15। ओके, तो 0.15, 0.30, 0.45 और 1, 2.15, 1, 3 एंड 0.15। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट में ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन है, एक्सपेरिमेंट के अंदर ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन है, और ये ए और बी के रेट्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस रिएक्शन को रेट लॉ से अरेंज करना है और इसका टोटल ऑर्डर भी फाइंड आउट करना है। तो पहले देखो, पहले क्या काम करना है, बी के कॉन्सेंट्रेशन को जहां पे आप कॉन्स्टेंट कर पाओगे वहीं पे आप ए का ऑर्डर और ए का रेट निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहले ये हुआ आपका, अगर एक्सपेरिमेंट की बात कर ले 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, यहां तक देखो, ये एक्सपेरिमेंट 1, 2, तो 1, 2 में ए का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 एंड 2, तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, और बी का कंसंट्रेशन कितना है, बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बी का कंसंट्रेशन यहां पे 1, 1 मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहली बार में रेट कितना है, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 के बेस पे बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 जहां पे बी का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जब एक कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहेगा तभी दूसरे वाले को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहां कितना आ रहा है, देखो पॉइंट रेट कितनी है, रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू के और के सी टू द पावर एम, है ना, और बी के तो क्या हो जाएगा, आप जैसे आपने पूरा लिखा था तो सी ए टू द पावर एम, और दूसरी बार रेट क्या हो जाएगी, रेट इक्वल टू के सी बी टू द पावर एन। ठीक है, तो ये रेट को लिखने का तरीका, और एम वन प्लस एन, एम और एन को जोड़ देंगे, एम और एन को जब हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, ऑर्डर निकल जाएगा, एम और एन को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 के बेस पे हम लोग बात कर रहे थे अभी, एक्सपेरिमेंट 1 और 2, तो रेट कितनी है, रेट इज 0.15 बाय 0.30 और बी का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे कॉन्स्टेंट है, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1/2 to the power m, है ना, 1/2 to the power m कर दिया मैंने, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 equal to 1/2
टू द पावर m, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कौन से ऑर्डर आ गई 1 2 के बेस पे, ये फर्स्ट ऑर्डर आ गई 1 2 के बेस पे, कौन सी ऑर्डर आ गई, फर्स्ट ऑर्डर आ गई। ठीक है, अब देखो अगले एक्सपेरिमेंट में देखते हैं फिर से, 3 और 2 और 3 में भी b का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, 2 और 3 में भी b का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो अगर 2 और 3 पे आप जाते हो तो 2 और 3 पे कितना है, 0.30 और 0.45, 2 एंड 3, तो कितना है 0.30, 0.45 इक्वल टू हाउ मच, 2 बाय 3 टू द पावर m। ठीक है, तो 2 बाय 3 टू द पावर m, तो ये भी कितना हो जाएगा, देखिए 15 से अगर कट मारेंगे तो 2 बाय 3 इक्वल टू 2 बाय 3 टू द पावर m, तो m इक्वल टू फिर से कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो मतलब जब भी b का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और अगर a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है तो अगर a का रेट पूछेंगे तो कैसे लिख देंगे, रेट इक्वल टू k a टू द पावर 1, रेट इक्वल टू k a टू द पावर 1, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k a टू द पावर 1। ठीक है ना, रेट इक्वल टू k a टू द पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू a, है ना। अब बात करते हैं जरा b के बारे में, ये एक चीज क्लियर, अब बात करेंगे b के बारे में। तो किन स्टेप्स में a का कॉन्सेंट्रेशन सेम है वो सर्च करना पड़ेगा आपको, किन एक्सपेरिमेंट में a का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो a का कॉन्सेंट्रेशन देखिए सेम कहां पे है, 1 3 पे सेम है और 1 4 पे सेम है, 1 3 और 1 4 पे सेम है। तो पहले 1 3 देख लो, तो 1 3 ये कितना है, 0.15, तो अब हमने a के कॉन्सेंट्रेशन को सेम करना है और b का कंसेंट्रेशन कब पे चेंज देखना है। तो a का कंसेंट्रेशन 1 3 में सेम है, तो b का कंसेंट्रेशन देखिए यहां पे क्या है, 1 3 में 1 और 2, और ये 1 और 2, तो रेट कितना, 0.15 by 0.30 इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, यहां पे हमने सेकंड के लिए n रखा है, कितना आ गया, यह आ जाएगा, हाँ एक बार फिर से 1 3, अच्छा 1 3 में 0.15 है, सॉरी 1.15, देखिए 0.15 है और 3 में भी 0.15 है, जहां a का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, a का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ये कितना आ गया, a का कॉन्सेंट्रेशन 1/1 और यहां पे 1/2 इक्वल टू 0.15, तो 1/2 0.15, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, 0.15 by 0.15 होना जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पे, 0, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो 1 4 पे भी देखो, जब 1 4 पे a का कॉन्सेंट्रेशन 1 है, 1 4 1 4, तब ये कितना है, 1/3, और फिर से 1/3 के लिए भी ये कितना है, 1/3 के लिए भी ये कितना है आपका, पहले पर हो गया CB1 CB2, तो कितना हो गया था, 1/2। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ B, है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ B की बात कर रहे थे, तो कितना हो गया फिर से, 1 और 4 पर, तो 1 और 4 पर कितना है, 1/3, 1/1, अच्छा ये इधर देखो यहां पे, अच्छा यहां पे देखो, यहां पे ये कांस्टेंट है, 4 और 5 में ए कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3, और ये कितना हो गया, 0.15, और ये भी कितना हो गया, 0.15, तो ये एक्सपेरिमेंट किससे जा रहे हैं हम लोग, 4 और 5 से, पहले गए थे हम लोग 1 और 3 पे 0.15, अब इसके बाद हमने कंसीड किया 4 और 5, जहां पे ये 1 1 है, तो ये कितना हो गया, 2/3, तो इट इज 0.15 by 0.15 इक्वल टू 2/3 टू द पावर n,
टू बाय थ्री टू द पावर एन, तो फिर से क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कैसे लिख पाएंगे हम, के ए टू द पावर वन बी टू द पावर जीरो, और ऑर्डर कितनी हो जाएगी, टोटल टोटल ऑर्डर भी कितनी हो जाएगी, एन ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है वन, और टोटल ऑर्डर भी कितनी हो जाएगी वन प्लस जीरो, तो टोटल ऑर्डर भी कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी, टोटल ऑर्डर इज वन, और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी हो जाएगी जीरो, तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके दूसरे क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं। इसमें केवल क्या खास बात ध्यान रखना है, ए और बी में से जिसको आप कैलकुलेट करोगे उस पर उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का जो रेट होना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, वो एक का रेट कॉन्स्टेंट आपको रखना पड़ेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, ए प्लस बी, ए प्लस बी इट गिव्स प्रोडक्ट, जहां पे ए प्लस बी मिलकर के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं उसका हमें कोई काम नहीं है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रेट्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रेट, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसका, ए और बी का, ठीक। तो 0.01 और इस कंसंट्रेशन पर रेट जो है 0.005 है, 0.005 मोल्स पर लीटर, 0.005 मोल्स पर लीटर। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में 0.02 और 0.01, ये पूरा क्वेश्चन आपको गिवन रहता है, पूरा डाटा आपको गिवन रहेगा, केवल आपको सेलेक्ट करना है, बस ये बात ध्यान रखेंगे, है ना, पूरा क्वेश्चन आपको गिवन है, 0.02, 0.01 और 0.010, 0.010 और थर्ड टाइम जो एक्सपेरिमेंट है उसमें 0.01 और ये 0.02 और रेट गिवन है आपको थर्ड टाइम 0.005। तो देखो अब बी का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट वन और टू में कैसा है, सेम है, एक्सपेरिमेंट वन और टू में बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ए का कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 0.01 इक्वल टू हाउ मच इज देयर, 1/2 to the power m। इसको एक ही जैसे ऑर्डर में लिखना है आपको, ताकि आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर रहे, बार बार बुक्स के अकॉर्डिंग चेंज मत करिएगा इसको, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 = 1/2 to the power m, 1/2 = ये इसका डिटर्मिनेशन 0.5 आ जाएगा, 1/2, है ना, सॉल्व करके देख लीजिएगा, 1/2 = 1/2 to the power m, तो m इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ जाएगा, m इक्वल टू 1। अब देखो, अब a का कॉन्सेंट्रेशन कहां पे सेम है, तो a का कंसंट्रेशन 1 और 3 में सेम है, a का कंसंट्रेशन 1 और 3 में सेम है ना, 1 और 3 में ए का कंसंट्रेशन 1 और 3 में सेम है, जिससे आप बी का कंसंट्रेशन निकालोगे तो कितना आ गया, 0.01 by 0.0, अच्छा पहले रेट लिखेंगे ना इधर, तो 1 और 3 जहां पे ए का कंसंट्रेशन सेम है, ए का कंसंट्रेशन सेम है 1, 3 में, तो 1, 3 में कितना आ जाएगा, 0.005 by 0.005 = 0.005 by 0.005 = 1/2 to the power n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर से जीरो आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर से जीरो आ जाएगा, हियर n इक्वल टू जीरो। ओके, तो फिर से अब रेट लिखना है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज व्हाट,
के ए टू द पावर वन, के ए टू द पावर वन और बी टू द पावर जीरो, और ऑर्डर क्या आ जाएगी रिएक्शन की, ओवरऑल जो ऑर्डर आ जाएगी वो वन आ जाएगी, ठीक। और एक्सपेरिमेंट 1-2 के बेस पर ऑर्डर वन, और एक्सपेरिमेंट 1-3 के बेस पर जहां पर ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम है उसके बेस पर ऑर्डर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, उसके बेस पर ऑर्डर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, और मैंने आपसे कहा है, प्रॉमिस किया आपको कि इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, ढूंढ करके मैं आपके लिए जो पिछले साल में किसी एग्जाम्स में आया होगा उसको आपको और करवाऊंगा, जिससे ये चीज भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, ए प्लस बी इज कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट, ए प्लस बी इज कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट। तो एक्सपेरिमेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड रेट, 0.012, 0.035 और रेट कितना है 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड एक्सपेरिमेंट वन, एक्सपेरिमेंट टू में 0.024, 0.024, 0.024, 0.070 एंड हियर द रेट इज 0.8, हियर द रेट इज 0.8। एक्सपेरिमेंट थ्री में 0.024, 0.024 और दैट टाइम रेट इज 0.035, और 0.035 के लिए रेट कितना है 0.1, और फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में 0.012, 0.012, 0.070, 0.070 और रेट कितना है 0.8। अब यहाँ पे आपको ए और बी के रिस्पेक्ट में रेट और ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो बी का कंसंट्रेशन सेम कहाँ मिला आपको, एक्सपेरिमेंट वन और थ्री में पहली बार जो बी का कंसंट्रेशन सेम मिल रहा है वो कहाँ है, एक्सपेरिमेंट वन और एक्सपेरिमेंट थ्री में, इन एक्सपेरिमेंट वन एंड एक्सपेरिमेंट थ्री। और ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना है 1/2 और रेट कितनी है 1/1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जीरो ऑर्डर आ जाएगा यहां से ये, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट वन एंड थ्री कैरी ऑन करते हैं, एक्सपेरिमेंट वन और थ्री जहां पर बी का कंसंट्रेशन सेम है तो ए के कंसंट्रेशन को हमको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कितना आ गया देखिए, 0.1/0.1 इक्वल टू व्हाट, 0.1/0.1 इक्वल टू 0.012/0.024 और पावर m, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, जीरो आ जाएगा। तो यहां पे आपको रेट लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, रेट इक्वल टू k a टू द पावर जीरो, रेट इक्वल टू k a टू द पावर जीरो। अब a का कंसंट्रेशन देखिए कहां पे सेम मिल रहा है, तो a का कंसंट्रेशन 2-3 में सेम है और 1-4 में भी सेम है, 2-3 में सेम है और 1-4 में भी सेम है, ठीक है। तो पहले एक एक की बात कर लेते हैं, 2-3 में ये ऑपोजिट है तो यहां सॉल्व होगा नहीं है, 1 और 4 में सेम है और इसका कंसंट्रेशन ये 2 times और 1/8 times हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कितना, ए का कंसंट्रेशन सिमिलर 1 और 4, जिसमें रेट्स आपको 1/8 मिल रहा है। तो एक्सपेरिमेंट वन एंड फोर की बात करेंगे, 1 और 4 जहां पे ए का कंसंट्रेशन सेम है 1/8, तो 0.1/0.8 इक्वल टू व्हाट, 0.035/0.070, तो 0.035/0.070 टू द पावर एन। तो कितना आ जाएगा ये,
वन बाय टू टू द पावर थ्री इक्वल टू वन बाय टू टू द पावर एन आ जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना आ गया, थ्री आ गया, एन इक्वल टू थ्री। तो इस बार रेट कैसे लिख सकते हो आप, रेट इक्वल टू के ए टू द पावर थ्री, ठीक है, सब्सटेंस बी के लिए आप बी टू द पावर थ्री से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बी टू द पावर थ्री, ए टू द पावर नॉट और बी टू द पावर थ्री लिख दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको, ये कहां से कर दिया मैंने, तो ये आ गया आपका थ्री। तो रेट सेकेंड टाइम, रेट टू को कितना लिख सकते हैं, के ए टू द पावर कितनी आ गई थी, जीरो, और बी टू द पावर कितनी आ गई थी, थ्री, और ऑर्डर कितनी आ जाएगी, ओवरऑल ऑर्डर, ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, थ्री प्लस जीरो तो थ्री आ जाएगा, टोटल ऑर्डर कितना आ जाएगा, थ्री, और ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो, और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर थ्री, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर थ्री। तो दिस इज द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन रेट कॉन्स्टेंट, है ना, इंटीग्रेटेड रेट कॉन्स्टेंट, डिफरेंशियल मैथड पर, फॉर यू डिफरेंशियल मैथड पर ये कंसंट्रेशन के बेस पर ऑर्डर और रेट को डिटरमाइन करने का तरीका है। इस पे कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में भी हो सकते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है, एंड सम क्वेश्चंस मैं भी आपको करवाऊंगा जब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके कमांडोस, थैंक यू।